Good evening everybody. Good evening dear. I hope I'm audible, I'm visible and सभी को आपको मेरी तरफ से इस स्वतंत्रता दिवस की मतलब इंडिपेंडेंस डे की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं. जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता दीजिए कि I'm audible and visible for everybody. Tell me fast everyone. Yes, yes, yes. तो सारे बच्चे हमारे जितने भी बच्चे हैं प्यारे प्यारे बच्चे वो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आज का सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं. आज का बहुत ही अमेजिंग बहुत ही शानदार सेशन हमारा होने वाला है. तो फटाफट से हमें सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम स्टार्ट कर सकते हैं इस इंडिपेंडेंस डे का सबसे अमेजिंग सेशन. तो आज डियर हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे बल्कि आज हम थोड़ी सी एक्टिविटी भी करेंगे. एज़ यू नो आज हमारा बहुत 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 इम्पॉर्टेंट दिन है. दिस डे इज़ ऑलवेज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड प्राउडी मोमेंट एंड प्राउडी डे जिसमें हम पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हैं. तो जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे और हमें ज्वाइन कर लीजिए. Ashish, good evening everybody. Good evening Ashish and happy Independence Day for everyone. जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखा दीजिए कि आई एम ऑडिबल आई एम विजिबल ताकि हम अपनी आज की अमेजिंग सेशन अमेजिंग क्लास स्टार्ट कर सकते हैं. तो टेल मी फास्ट एवरीबॉडी आई एम ऑडिबल आई एम विजिबल ताकि हम अपना क्लास स्टार्ट कर दें. टंटा गुड क्या हाल है. यस मेरा हाल बहुत बढ़िया है. आपका क्या हाल है आशीष, आपका क्या हाल है. आप अपना हाल फरमाइए जनाब. मेरा हाल तो बहुत ही बढ़िया है. आप अपना हाल फरमाइए. एंड जितने भी बच्चे अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किए वो फटाफट से हमें ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज दिस सेशन इज़ रियली गोइंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो ऐसे नो कि आपके एग्ज़ाम के बहुत ही कम दिन हैं और हम नहीं चाहते कि एक कोई भी एक दिन आपकी बिना प्रैक्टिस के मिस करें. तो आज वैसे हमको छुट्टी लेनी चाहिए थी क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, आज फ्रीडम वाला डे है. थोड़ी सी हमको भी फ्रीडम चाहिए थी पढ़ने पढ़ाने से, लेकिन नहीं हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम आपके सर पर है. तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. हेलो गुड इवनिंग टी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मी, हेलो गुड इवनिंग डियर. वाह आज तो एकदम सही में सब एक्टर से अलग लग रहे हैं. अच्छा जी आज मैं बिल्कुल अलग लग रही हूँ, क्या बात है. आशीष यस डियर गुड इवनिंग एंड वेरी 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 इंडिपेंडेंट वेरी हैप्पी 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 इंडिपेंडेंस डे एवरीवन. ओके तो स्टार्ट करें आशीष, आज का सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं. और आज मेरी वॉइस लो हो सकती है क्योंकि काफ़ी दिन से एक चीज़ हमें सता रही है, वो है हमारा सर दर्द. हमको बहुत परेशान कर रहा है, दवाइयाँ लेने के बाद भी नहीं जा रहा है, पर कोई बात नहीं. वंस अगेन आपकी क्लास जो है वो इससे बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होगी. तो स्टार्ट करें आशीष एंड स्टार्ट करें सारे बच्चे. जल्दी से मुझे सारे बच्चे अपना थम्सअप दे दीजिए ताकि हम स्टार्ट करें अपना सेशन. एंड यू कैन सी कि आज हमारी जितनी भी हमारी पीपीटी है ना सारी की सारी हमारे फ्लैग के ट्राई कलर्स पर बेस्ड है. तो आई गेस कि इसको देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. बीच पर घूमने गए थे, नहीं नहीं आशीष नहीं. चलिए पढ़ाई की बात कर लेते हैं यहाँ पे. तो लिमिटेड एडिशन ऑफर यहाँ पर है आपके लिए गाइस. तो अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, चाहे आप 2022 के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदें या 2023 के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदें, तो इसके लिए आपको यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग ऑफर्स मिलते हैं. 2 महीने का यहाँ पर आपको फ्री मिलता है. 2 महीने का मतलब फ्री में आपको एक्सटेंशन मिल जाता है. प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए ही यहाँ पे ऑफर्स अवेलेबल है. एंड आई डोंट नो समथिंग रॉन्ग इज़ इन माई पीपीटी टुडे, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया. पर कोई बात नहीं, आज हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम था तो जल्दी में जितना हो पाया उतना ही हम कर पाए. तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं नीट यूजी के जितने भी बैचेस हमारे स्टार्ट हुए हैं. एज यू नो ऑलरेडी कि हमारे पावर एलाइट बैच, अर्ली ड्रॉपर बैच, संजीवनी बैच, ये सारे के सारे बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं. स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे 2022 में और 2023 में एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं. तो अगर कोई बच्चे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, वो भी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पे एक अमेजिंग ऑफर है. और ऑफ़र ये है कि आप इन सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बहुत ढेर सारे डिस्काउंट के साथ. लेकिन उसमें भी आपको सोने पे सुहागा ये है कि आप मेरा कोड इस्तेमाल करके और ज़्यादा डिस्काउंट पर आप ये ज्वाइन कर सकते हैं. राइट हियर. ओके तो प्लस कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोचता है तो उसके जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं. उन सवालों का जवाब ये है कि आप यहाँ पर क्यों आना चाहते हैं, तो सवालों का जवाब ये है डियर कि आपको यहाँ पर मिलते हैं इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटेड इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट्स एंड क्विज़ेस एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ। ये सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं, एक ही सब्सक्रिप्शन खरीदने से मिल जाती है। दैट इज़ वेरी 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 अमेजिंग। यस आशीष, आज एनर्जी लो है। आई नो डियर, आज एनर्जी थोड़ी सी लो है क्योंकि एज आई मैंशनड ऑलरेडी कि आज हमारा सरदर्द जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से हमारा पीछा किया हुआ है और वो हमारा साथ नहीं छोड़ रहा। लगता है सरदर्द से काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई है मेरी, जबकि नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे दोस्ती अच्छी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो जो बच्चे यहाँ पे आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उनके लिए 24, 18, 12 और 6 महीने के यहाँ पे बैचेज अवेलेबल हैं। अगेन आप मेरा कोड इस्तेमाल करके यहाँ पे 10% का डिस्काउंट कमा ही सकते हैं डियर। आइकॉनिक और प्लस में हमारे डिफरेंसेस क्या क्या है? प्लस में आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होते हैं। आइकॉनिक में आपके पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लान, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड टेस्ट एनालिसिस, आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलता है। बग बाउंटी के बारे में आपको पता ही है डियर। बग बाउंटी में ये है कि अगर आपको कुछ भी इनएप्रोप्रिएट लगता है तो यू कैन क्लेम योर प्राइज, यू कैन रिपोर्ट दिस। एंड अनअकैडमी प्रॉडी की स्कॉलरशिप का ऑलरेडी हो चुका है, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सारे बच्चे कि किन किन बच्चों ने अनअकैडमी का प्रॉडी की टेस्ट ऑलरेडी लिख लिया है। और जिन जिन बच्चों ने अनअकैडमी का प्रॉडी की टेस्ट लिख लिया है डियर, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है कि आपकी रैंक क्या आएगी, आपके मार्क्स क्या आएंगे? तो जल्दी से मुझे सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीबॉडी, विश यू ऑल ऑफ यू, विश यू वेरी 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 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आप भी मुझे यहाँ पे विश करिए। एंड आई रियली विश आज के इस बहुत ही पावन अवसर पर, बहुत ही अमेजिंग, जो कि बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट डे है, बहुत प्राउडी डे है और बहुत ज़्यादा खुशनुमा ये दिन है। इसके मौके पर मैं आप सभी के लिए दुआ करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि आप सभी अपने सपनों में कामयाब हो, अपनी मंजिल तक पहुँचें और आपको जो जो सपना है वो ज़िंदगी में हर चीज़ आपको मिले, आपकी सारी विशेष जो है वो कंप्लीट हो। यस डियर, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंड वंस अगेन एज यू नो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड वंदे मातरम डियर। तो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ओके। एंड यहाँ पर स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ये सब आपको जितने भी हमारे कोविड-19 के प्रोटोकॉल आपको यहाँ पे करने हैं फॉलो। हैप्पी डिपेंडेंस इन द ट्रस्ट सेंस फ्रीडम कैन नॉट बी बेस्ट और इट मस्ट बी वॉन। ओके जना, ओके 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 ओके। तो आज की क्विज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हमें लाइव देख रहे हैं वो फटाफट से हमें यहाँ पे क्या करेंगे, आई होप कि आपकी जो आज की हमारी पीपीटी, आज की जो थीम है आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आने वाली है। और जल्दी से यहाँ पे हमें आप जो भी मैं यहाँ पे सवाल करने वाली हूँ आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है। एज यू नो कि हम हमेशा ऐसा ही करते हैं। और आज का थोड़ा सा क्लास में मेरी एनर्जी लो हो सकती है क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि आज मेरी सब दर्द बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज मुझे क्लास लेनी थी क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था और हम प्रॉमिस ब्रेक नहीं करते हैं। सिचुएशन जब तक कि बहुत 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 ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है तब तक हम प्रोमिस को ब्रेक नहीं करते हैं। सो वंस अगेन गुड इवनिंग एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीबॉडी। एंड जिन जिन बच्चों ने अभी तक मुझे लाइक नहीं किया जल्दी से हमारे सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि अब हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है। और मुझे किसी बच्चे के कोई कमेंट ही नजर नहीं आ रहे, क्या बात है डियर? ऐसे क्यों कमेंट कर रहे हो आशीष? व्हाट हैपेंड डियर? आशीष ओ माय गॉड, स्लाइड कितना खराब है। स्लाइड कैसे खराब हो सकता है? आज का स्लाइड को आप खराब कैसे बोल सकते हो आशीष? व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? एंड हाँ, मुझे अभी तक, हाय रफ़ा, मुझे अभी तक किसी के भी कमेंट नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर आप बच्चे लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो मुझे बता दीजिए। अगर कमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है कि मेरे नेटवर्क में, सेलफोन में कोई प्रॉब्लम हो कि मुझे कमेंट नज़र आ ही नहीं रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट द फंगल एसोसिएशन। दिस इज बिकॉज its embryo is immature, it has obligate association with the mycorrhiza, it has very hard seed coat and its seed contain inhibitors that present germination. पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन आशीष, एक्चुअली मुझे लगा नहीं था कि आपको पता नहीं चलेगा, पर मैं एक काम करती हूँ ना, यहाँ पे मैं आपको मार्क कर देती हूँ। मार्क करने से डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा, ठीक है डियर? आपको मैं मार्क कर देती हूँ। मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ ना, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो आप यहाँ से सुन सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश्ड विदाउट फंगल एसोसिएशन। दिस इज बिकॉज इट्स एम्ब्रियो इज इमैच्योर, इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद द माइक्रोराइजा, इट हैज वेरी हार्ड सीड कोट एंड इट्स सीड कंटेन इनहिबिटर दैट प्रेजेंट जर्मिनेशन। ठीक है, तो जल्दी से बताइए दैट प्रेजेंट जर्मिनेशन एंड दैट प्रिवेंट जर्मिनेशन, यहाँ पे एक्चुअली प्रिवेंट आना चाहिए। तो जल्दी से मुझे सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। अनम ने आंसर हमें 2 दिया है, अनम पढ़ पा रहे हैं तो आशीष आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? मस्ती बंद करो, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। तो यहाँ पर ऑलरेडी मुझे आंसर आ चुका है, तो देखते हैं कितने बच्चों ने हमको सही आंसर दिया है। आशीष ने यहाँ पे माइकोराइजा वाला दिया है, अनम ने हमें आंसर 2 दिया है। तो विदाउट फंगल एसोसिएशन जो होता है डियर यहाँ पे, तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर आपका क्या है? सेकंड है, क्योंकि यहाँ पर फंगाई की या फिर जो ऑब्लिगेट एसोसिएशन होती है वो माइकोराइजा के साथ होती है, इसी वजह से यहाँ पे वो जर्मिनेट नहीं हो पाते। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड डज नॉट अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? तो यहाँ पे ये डीएनए टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको नहीं नजर आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। Which of the following feature of the genetic codes does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? तो जनाब बताइए कि क्या आंसर रहेगा। और आज का मुझे लग रहा है कि आज की क्लास जो है वो अच्छी नहीं जाने वाली है, पर कोई बात नहीं, हम तो अच्छी चला के रहेंगे। क्या हो गया आज की क्लास में? इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? पंगा क्यों हो रहा है? अब मुझे समझ आएगा। मैथ्स मेरा नेट नहीं चल रहा है। करेक्ट आंसर क्या है डियर? बताइए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिगुअस, जेनेटिक कोड इज रिडक्टेंट, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल एंड जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक। तो क्या रहेगा बताइए? कौन बच्चे यहाँ पे आंसर देगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कौन देगा? बताइए क्या आंसर रहेगा डियर? क्वेश्चन नंबर 2। इनमें मैं आपको क्वेश्चन रीड करती हूँ, ठीक है? आपको बस आंसर देना। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। Which of the following feature of the genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? तो इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा फीचर है जेनेटिक कोड का जिसकी वजह से बैक्टीरिया ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सकता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। जेनेटिक कोड जो होता है इज नॉट एम्बिगुअस, जेनेटिक कोड इज रिडक्टेंट, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल एंड जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक। क्या रीजन है कि बैक्टीरिया जो होता है वो ह्यूमन इंसुलिन को ईजिली प्रोड्यूस कर सकता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके? तो आनम ने हमें आंसर फर्स्ट दिया है, बाकी बच्चे आंसर क्या देते हैं लेट मी चेक। जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल ऐसा तो नहीं है, स्पेसिफिक भी नहीं है, जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिगुअस, जेनेटिक कोड इज रिडक्टेंट। लेट मी चेक। जल्दी से मुझे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए कि क्या रीजन रहेगा यहाँ पे, क्या आंसर रहेगा यहाँ पर। Which of the following features of the genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? तो करेक्ट आंसर मुझे ऑलरेडी 1 आया है डियर। इसका करेक्ट आंसर 1 नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर 3 होगा, क्योंकि जो जेनेटिक कोड होता है वो नियरली यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब है सेम मिलता है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर बैक्टीरिया जो होते हैं वो ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल? आपका गोनोरिया हो गया, जेनिटल वॉर्ट्स हो गया, जेनिटल हर्पीज हो गया एंड क्लेमाइडियासिस हो गया। तो यहाँ पे कौन बच्चा हमें आंसर देगा? रिडक्टेंट वाला, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल? इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि पूरी तरीके से क्यूरेबल नहीं है? और वो डिजीज़ जो है वो एसटीडी के बारे में बात कर रहा है। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। इनमें से इन 4 में से कौन सी ऐसी एसटीडी है जो कि पूरी तरीके से क्यूरेबल नहीं है? आपके ऑप्शन है गोनोरिया, जेनिटल वॉर्ट्स, जेनिटल हर्पीस एंड क्लेमाइडोमोनास। बताइए जनाब क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following sexually transmitted disease is not completely curable? हमें ऑलरेडी आंसर आया है। किस बच्चे ने हमें आंसर दिया है? किसी बच्चे ने नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा डियर जेनिटल हर्पीस। तो जेनिटल हर्पीस एक वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि पूरी तरीके से क्योरेबल नहीं है इन 4 में से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। Which of the following statement is incorrect? Viroids lack a protein coat. Viruses have obligate parasite. Infective constituent in the virus is the protein coat. And इसके बाद prions consist of abnormally folded protein. Happy Independence Day Path. Happy Independence Day dear. अनन्या ने आंसर 3 दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. अगर किसी बच्चे को अनफॉर्चुनेटली आज क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत 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 सारा क्या बोलते हैं माफ़ी मांगते हैं आपसे, क्योंकि आज की स्लाइड्स के बारे में हमें पता नहीं था कि आज की स्लाइड जो है वो इस तरीके से हो जाएगी. तो मैं यहाँ पे आपको ना इस तरीके से मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि शायद आपको नजर आए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है. और इनकरेक्ट यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है. वायरॉइड जो होते हैं उनके पास प्रोटीन कोट नहीं होती है. वायरसेस जो होते हैं वो एप्लीकेट पैरासाइट होते हैं. इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो वायरसेस में होते हैं वो प्रोटीन कोट होती है. या फिर प्रियॉन्स जो होते हैं वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के बने होते हैं. लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है, आपको ये बतानी है. आशीष ने हमें सही आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया है आशीष, बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर. यस डियर, जो इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वायरस के अंदर होता है वो प्रोटीन कोट नहीं होता है डियर, वो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है. जेनेटिक मटेरियल जो है उसका डीएनए हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है. सो द करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, थर्ड रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ गॉल ब्लैडर ऑफ अ मैन इज रिमूव्ड. अगर किसी भी इंसान का गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है तो फिर डाइजेशन इज नॉट पॉसिबल. एसिडिटी कंटिन्यूज इन द ड्यूडेनम. इफेक्ट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस अपॉन फूड इज इम्पेयर्ड एंड ऑल ऑफ द एबव. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा. मेरे को 360 पे करके देखना पड़ता है, क्यों डियर, ऐसा क्यों है बताइए. फाइव का डी, क्वेश्चन नंबर 5 हम इस टाइम पे कर रहे हैं. 5 का डी, ऑल ऑफ द एबव. अगर किसी भी पर्सन का गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है तो फैट डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है. एसिडिटी ड्यूडेनम में कंटिन्यू करेगी, बिल्कुल सही आंसर है. और पैनक्रियाटिक जूस पर इसका पेयर जो इन्फेक्ट होगा वो इम्पेयर्ड होगा, बिल्कुल सही. करेक्ट आंसर हमें आशीष ने दिया है, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों चीज़ें पॉसिबल वहाँ पर हो जाएंगी या फिर नहीं होंगी, आप ये बोल सकते हो. क्योंकि बाइल इज रिक्वायर्ड, गॉल ब्लैडर का मतलब है कि बाइल को वो स्टोर कर रहा है. और जो बाइल जूस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाइजेशन के लिए, क्योंकि बाइल जूस इस्तेमाल होता है फैट के ब्रेकडाउन के लिए. बाइल जूस का काम होता है कि वो जो हमारा फैट एसिड होता है जो कि स्टमक के अंदर हमारा सीएल होता है उसको वो न्यूट्रलाइज करने का काम करता है. तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है वहाँ पर, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है. तो ऑल ऑफ द एबव द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं यहाँ पर. अच्छा, आज हम ना सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज की स्लाइड्स में आपको कुछ थोड़ा नज़र भी कम आ रहा है. और ऐसे मेंशन किया आज मुझे फिर से हेडेक है, तो आज मैं बस इसलिए लाइव आई थी कि आप सभी बच्चों को इंडिपेंडेंस डे विश कर सकूं और थोड़ा 4-5 क्वेश्चन कर सकें. और बाकी तो तैयारी हम ढंग से कल से स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक है. इंशाल्लाह मेरी कल तक तबीयत थोड़ी ठीक हो जानी चाहिए. मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विथ देयर रेस्पेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट. अब आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर किस किस के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी कौन कौन सी यहाँ पे जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, वो करेक्ट कॉम्बिनेशन है. पहला का यहाँ पे दिया हुआ फ्लेम सेल, बॉम्बिक्स कॉम्प्लेट एंड प्लूरोब्लैकिया रेड्यूला, टीनिया मालपिगियन ट्यूब्यूल. एंड यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर इसमें से चूज करना है. तो देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे सही आंसर दिया. 6 का भी आंसर दिया है, ऐसे कैसे दिया है आपने 6 का भी इतना जल्दी. जो पाइला होता है ना डियर, पाइला आपका होता है मोलस्का, और पाइला में आपको मिलते हैं रेड्यूला. बॉम्बिक्स जो होता है वो आपका आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा में आपको मिलते हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल्स. प्लूरोब्लैकिया जो है वो आपका टीनोफोरा है जिसमें आपको कॉम्प्लेट्स मिलती हैं. और टीनिया जो है वो आपका ये है आपका प्लेटिहाल्मेंथीज, एंड प्लेटिहाल्मेंथीज आपको मिलती हैं फ्लेम सेल्स फॉर द एक्सक्रीशन, ठीक है. तो यहाँ पे पाइला का 3rd हो गया. ए का 3rd किसने दिया हुआ है, ए का 3rd तो हमें तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है. और भी जाते हैं हम यहाँ पर, 6 का बी दे रहे हैं. ए का 3rd तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन बी का देखते हैं. बी का हमें 4th है, तो बी का 4th हमें दिया हुआ है. सी प्लूरोब्लैकिया आपका हो जाएगा सी का 2nd. तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर हमें यहाँ पर मिल चुका है. तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, B इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम यहाँ पर. तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ, एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड ऑफ अ पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एनीमिया शोज लार्ज इमैच्योर न्यूक्लिएटेड एराइथ्रोसाइट विदाउट हीमोग्लोबिन, सप्लीमेंट हिज डाइट विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू एलिवेटेड हिज सिम्टम्स. तो थायमीन, राइबोफ्लेविन, आयरन कंपाउंड एंड फॉलिक एसिड एंड कोबालमाइन. तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ. अगर किसी भी पर्सन का ब्लड को हम एग्जामाइन करते हैं और उस पर्सन को एनीमिया है, एनीमिया का मतलब है कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कमी है, राइट। और तो वहाँ पे क्या होता है कि लार्ज इमैच्योर न्यूक्लिएटेड एराइथ्रोसाइट आपको नज़र आती हैं। तो अगर एराइथ्रोसाइट मैच्योर नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पे न्यूक्लियस आपको नजर आएगा विदाउट हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर उसकी डाइट में आपको क्या बहुत ज़्यादा ऐड करना चाहिए ताकि ये सारे सिम्टम्स जो है वो उसके रिड्यूस हो जाएं, उसकी जो प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाए। तो थायमिन करना चाहिए आपको, राइबोफ्लेविन करना चाहिए, आयरन कंपाउंड करना चाहिए, फिर फॉलिक एसिड एंड कोबालमाइन करना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया? आशीष ने हमें आंसर दिया है, डी इसका आंसर है, डी आंसर है। तो एक बार मुझे भी चेक करने दीजिए। तो यस डियर, फॉलिक एसिड, आयरन कंपाउंड, जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए आयरन जो होता है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो रहा है। आयरन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए होता है। तो अगर किसी की भी डाइट में आयरन की बहुत कमी है तो उस पर्सन को डेफिनेटली एनीमिया होने वाला है। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर डी। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। अ यंग इन्फेंट का मतलब बच्चा होता है। या यंग इन्फेंट मे बी फीडिंग एंटायरली ऑन द मदर्स मिल्क विच इज वाइट इन कलर बट द स्टूल विच द इन्फेंट पासिस आउट इज क्वाइट येलोइश विच व्हाट इज द येलो कलर ड्यू टू। आपको बहुत अच्छे से पता है कि पहली बार जब ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो फर्स्ट मदर मिल्क होता है, ठीक है, वो क्वाइट येलोइश होता है। तो येलो कलर किस वजह से होता है? इंटेस्टिनल जूस की वजह से होता है, अनडाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन केसिन की वजह से होता है, या फिर बाइल पिगमेंट पासेस थ्रू द बाइल जूस, या फिर पैंक्रियाटिक जूस पोर्ड इनटू ड्यूडेनम। तो कौन बच्चा मुझे यहाँ पर करेक्ट आंसर देने वाला है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 8, अनम ने हमें आंसर दिया है सी। बिल्कुल सही आंसर दिया। आपकी बॉडी में चाहे कोलेस्ट्रॉल जो है उसका कलर येलो है, या फिर यूरिन का कलर येलो है, या फिर फीसिस का कलर येलो है, सभी का कलर जो येलो होता है वो बाइल पिगमेंट की वजह से होता है। तो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एग्जामिनेशन ऑफ अ ब्लड ऑफ अ पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एनीमिया शोज लार्ज इमैच्योर। ये तो हमारा हो चुका है ना, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको यहाँ पर बताने कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ओके डियर, तो मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेट्स, क्लेविसेप्स इज सोर्स ऑफ मोर अल्कलॉइड एंड LSD, कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजेनसली, yeast have filamentous bodies with long thread hyphae। आंसर मैं दे रहा हूँ, मेरा गलत था मिस। यस आशीष, आपको थोड़ा देखना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम ऑलरेडी आ चुके हैं। टेल मी फास्ट व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। और जितने बच्चों ने हमारे सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए बिकॉज दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आशीष ने हमें डी आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया है क्योंकि यीस्ट जो होती है वो आपकी यूनिसेलुलर फंगाई होती है, यूनिसेलुलर फंगाई। एंड यूनिसेलुलर फंगाई जितनी भी होती हैं उसमें फिलामेंटस बॉडी नहीं होती है, उसकी एक नॉर्मल बॉडी होती है जैसे कि सेल की बॉडी होती है। सेल में फिलामेंटस नहीं होता है, सेल में सीलिया नहीं होता है, फ्लाजिला नहीं होता है, या फिर कोई भी दूसरा ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी वहाँ पर नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है यहाँ पर? 4, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया? इनकरेक्ट पूछा गया। राइट डियर, यस आशीष, आपके आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following immature responses is responsible for the rejection of kidney graft? अगर आप किसी भी, जैसे कि आप फ्यूचर डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर बनने वाले हैं, तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत सारे लोगों के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट करोगे। किसी की किडनी खराब हो जाती है तो बच्चे हो या फिर एजेड पर्सन हो या मिडिल एज पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, तो किसी की भी बॉडी में अगर किडनी को ट्रांसप्लांट करें, नॉट ओनली किडनी, अगर आप किसी की बॉडी में लिवर या फिर कोई भी दूसरा ऑर्गन आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं किसी वजह से, उसका खराब हो गया उस वजह से, तो यहाँ पे चांसेस होता है कि जैसे ही आप एक फॉरेन एलिमेंट को, फॉरेन ऑर्गन को किसी की भी बॉडी के अंदर आप भेजते हैं, सेट करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो इमीडिएटली उस पर्सन की, मतलब जो पर्सन रिसीव कर रहा है, रिसीवर की जो बॉडी है वो उसको रिजेक्ट कर देती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, इन्फ्लामेटरी इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, या फिर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से। तो देखते हैं कितने बच्चों ने हमें सही आंसर दिया है। करेक्ट आंसर मुझे ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पे डियर। आशीष ने हमें आंसर दिया है दैट इज डी, बिल्कुल सही आंसर डियर। करेक्ट आंसर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं और एंटीबॉडीज की वजह से ही हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन एलिमेंट जो है वो एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट वहाँ पे एक्शन लिया जाता है, एंटीबॉडीज ही एक्शन लेती हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है, दैट इज नाइस, दैट इज राइट, 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यस डियर, हाय उस्मा शेख, हाय डियर, यस डियर, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यस डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पर Okay, the use of an artificial kidney during hemodialysis may result in, अगर किसी की भी बॉडी में अगर आप आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करते हैं, और वो कब किया जाता है जब हीमोडायलिसिस होता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में डायलिसिस भी बोल देते हैं. तो नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्ड अप इन द बॉडी. बी, नाइट्रोजनस एलिमेंट ऑफ द एक्सेस पोटेशियम आयन रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड रिड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर. यस उस्मा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे डियर. आपको भी बहुत सारा इंडिपेंडेंस डे का प्यार और मुबारकबाद. हाय आशुतोष, हाय डियर. आई रियली होप कि आपको आज के स्लाइड के कलर नज़र आ रहे हैं. बाई मिस्टेक ऐसा हो गया है कि कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग हो गया है, पर शायद आपको नज़र आ जाएगा, इतना भी अनविजिबल नहीं है ये. राइट यार. ओके, आशीष ने हमें 11 का आंसर दिया है ऑलरेडी, 11 का सी. तो लेट मी चेक. हीमोडायलिसिस में क्या होता है डियर, एक आर्टिफिशियल किडनी बॉडी के बाहर फिट करी जाती है. किडनी तो नहीं होती, किडनी जैसा माहौल वहाँ पे होता है, सिस्टम होता है, मशीन होती है. तो जिसमें कि नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होता है बॉडी से बाहर निकाला जाता है. तो इसने क्या बोला है कि अगर आर्टिफिशियल किडनी इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे क्या हो जाएगा, क्या नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में बिल्डअप होगा या नॉन एलिमिनेशन ऑफ द एक्सेस पोटेशियम आयन, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम आयन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड रिड्यूस आरबीसी फॉर्मेशन. तो यहाँ पे किस किस बच्चों ने जी मैम बिल्कुल विजिबल है. वेरी गुड आशुतोष, वेरी गुड डियर. नाइट्रोजिनस तो हटाता है. यस, तो डेफिनेटली नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है बॉडी में बिल्डअप नहीं होगा क्योंकि उसको तो रिमूव करता है वो. नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. देखिए आपकी बॉडी में जो किडनी है वो सिर्फ रिमूवल का काम नहीं करती है, बल्कि उससे रीअब्जॉर्प्शन होता है, उससे सिक्रीशन भी होता है. तो यहाँ पे जो कैल्शियम आयन है ना, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम हो जाएगा, ये आपको याद रखनी है. एंड आरबीसी जो प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस तो नहीं होगा, एक तरह से बोल सकते हैं कि खत्म ही हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है. तो जिस बच्चे ने मुझे सी आंसर दिया उसका बिल्कुल सही आंसर है. यस अनम, बिल्कुल सही आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम मूव करते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑफ द ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय टीएच मॉर्गन, ग्रीगर जे मैंडल, अल्फ्रेड स्टरवेंट एंड सुटन बोबरे. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि जो रिकॉम्बिनेशन की जो थ्योरी दी थी, एक्सप्लेनेशन जिसके बारे में बताया था, जीन पेयर्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है, तो ये किसने एक्सप्लेन किया था. तो यस डियर, यस करेक्ट हो. यस आशीष, करेक्ट हो, करेक्ट हो, करेक्ट हो. 11 का हमें देखते हैं क्या आंसर दिया है बच्चों ने. आशीष ने सही आंसर दिया है. क्वेश्चन नंबर 11 अल्फ्रेड ने दिया था. राइट, बिल्कुल सही आंसर दिया. यस डियर, अल्फ्रेड स्टूडेंट ने हमें थ्योरी के बारे में बताया था कि सेम क्रोमोसोम पर अगर जीन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो उसके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से, वो किसने दिया था, अल्फ्रेड स्टूडेंट ने दिया था. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. क्वेश्चन नंबर 12. इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर द पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर. पाइनएप्पल प्लांट आपको पता ही है, ठीक है. तो पाइनएप्पल प्लांट के अंदर क्या होता है, जो फ्लावरिंग होती है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है. Which combination of the hormone can be applied to artificially induce flowering in the pineapple plants throughout the year to increase the yield? अगर आप चाहते हैं कि आप पाइनएप्पल प्लांट की फ्लावरिंग को इंड्यूस कर दें, आर्टिफिशियली इंड्यूस कर दें, तो यहाँ पे कौन कौन से पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को, यहाँ पे कौन कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से हमको हम इस्तेमाल करेंगे. तो ऑलरेडी मुझे आंसर आ चुका है, किस बच्चे ने आंसर दिया है. हेलो एवरीबॉडी एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. जितने भी बच्चे हमें नए ज्वाइन किए, आपको बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुबारकबाद इस स्वतंत्रता दिवस की. आई विश एंड आई होप कि आपकी ज़िंदगी में इसी तरीके से आप इंडिपेंडेंट रहें, आपको फ्रीडम रहे और आप अपने करियर की सारी ऊंचाइयों को आप छुएं, जो जो आप चाहते हैं, आपकी सारी कामना, सारी इच्छाएं, सारी विशेष पूरी हों. ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए दुआ है इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे पर आप सभी के लिए. आशीष ने हमें आंसर दिया ए, ऑक्सीन एंड एथाइलिन. तो बिल्कुल सही आंसर दिया डियर. पाइनएप्पल में जो यहाँ पर फ्लावरिंग की जब भी हम बात करते हैं तो ऑक्सीन और इथाइलिन ही दो ऐसे हार्मोन हैं जिसकी वजह से पाइनएप्पल में जो फ्लावरिंग है वो हम इंड्यूस कर सकते हैं. आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है. राइट, ओके. क्वेश्चन नंबर हम जाते हैं, कौन सा था हमारे 13. क्वेश्चन नंबर 13 एडीए. आपको पता है एडीए क्या होता है, एडिनोसाइन डेफिशिएंसी. ADA is an enzyme which is deficient in genetic disorder SCID. So what is the full form of ADA? कौन बच्चा बताएगा मुझे, जल्दी से बताइए कौन बच्चा मुझे ADA की फुल फॉर्म बताएगा. अनन्य, हेलो बादल मल्होत्रा, हाय डियर. सारे बच्चे इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद कोई भी नहीं दे रहा है, तो बहुत ही गलत बात है ना आपकी. बी आंसर दिया है। एडिनोसाइन डीएमएनएज बिल्कुल सही आंसर दिया है डियर, करेक्ट आंसर। एडीए की फुल फॉर्म आपकी क्या रहेगी? एडिनोसाइन डीएमएनएज, राइट। ये 13 का भी आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 40, मैच द कॉलम हिंज जॉइंट 1 कार्पल, सैडल जॉइंट नी, पाइवट जॉइंट थंब एंड ग्लाइडिंग जॉइंट वर्टिब्रा। तो A4 3 आपको यहाँ पर बताना है। मैम आज का स्पेशल क्लास बदल, आज स्पेशल क्लास नहीं हो पाएगा डियर, क्योंकि आज मेरी तबीयत फिर से ख़राब है एंड आई एम जस्ट ट्राइंग कि मेरी तबीयत थोड़ी सी रिकवर हो जाए। आज मुझे काफ़ी हेडेक है, पर एज आई प्रॉमिस्ड कि आज हम एक सेशन रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट सेशन जो मेरा होने वाला है ना, जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है 10 बजे, आई एम नॉट श्योर कि वो सेशन होगा या नहीं होगा। वो मैं क्लास कैंसिल भी कर सकती हूँ, तो सो सॉरी फॉर दैट। और हमने आंसर सी दिया है, तो लेट बी चेक। हिंज जॉइंट जो होता है वो डियर आपको नी में देखने को मिलता है, दैट इज करेक्ट। नी में आपको हिंज जॉइंट देखने को मिलेगा। सैडल जॉइंट जो होता है वो आपका मिलता है थंब में, सो ए का आपका सेकंड हो जाएगा, ए सेकंड, बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर हमें सी मिल चुका है विदाउट एनी डिले। यस ये क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पे विद द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर ऑफ द बॉडी पार्ट एंड काइंड ऑफ द मसल टिश्यू दैट मूव्स इट। Iris, involuntary smooth muscles, hard wall, involuntary serrated muscles, biceps of the upper arm, smooth muscle fiber, abdominal wall and smooth muscles। तो क्या आंसर आएगा बताइए। आशीष ने हमें सी आंसर दिया है। बादल मल्होत्रा ने डी आंसर दिया है। तो यहाँ पे पूछा गया करेक्ट पेयरिंग। आइरिस में इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स होती हैं, हार्ट वॉल में इनवॉलंटरी अनस्ट्रेटेड नहीं, हार्ट वॉल में डियर अनस्ट्रेटेड मसल नहीं होती है, स्ट्रेटेड मसल होती हैं। बाइसेप्स जो होती है वो स्मूथ मसल नहीं, बाइसेप्स में तो आपको स्केलेटन मसल मिलते हैं। एब्डोमिनल वॉल के अंदर स्मूथ मसल्स होती है, ये बात बिल्कुल सही है। आपकी बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं सभी के अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं, तो दैट इज करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। ओके यस यार, आज जूम पर नहीं हुआ मिस क्लास। एक काम करते हैं आशीष, आज हम जूम मीटिंग रख लेते हैं, जूम में बहुत मजा आएगा। क्या बोलते हो, आज रख लिया जाए? आज इंडिपेंडेंस डे पर क्या जूम मीटिंग रख लिया जाए? अगर बोलते हो तो अभी रखेंगे। आज हम आधे घंटे की जूम मीटिंग रख लेते हैं, अगर सारे बच्चे एग्री करते हो तभी रखेंगे, क्योंकि आज मैं एक्चुअली पढ़ाने की स्थिति में नहीं हूँ, कंडीशन में नहीं हूँ, तो जूम पर रख लेते तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, in the given figure of the pelvic girdle of the man, structure marked as 1, 2, 3, 4 and 5 represent। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो यहाँ पे लेवलिंग दे रखी है, एक डायग्राम दे रखा है, इसकी करेक्ट लेवलिंग आपको बतानी है। मैम ज्वाइन कैसे होंगे आशुतोष? उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपकी डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ अगर आप ज्वाइन करोगे, मुझे फॉलो करोगे, तो आपके लिए मैसेज बॉक्स खुलेगा और उस मैसेज बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी मैं आपके लिए शेयर कर सकती हूँ लिंक। तो आपके लिए दो रास्ते हैं, आपको जो रास्ता चूज़ करना है आप वहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। और आज एक काम करते हैं ना, आज स्पेशल करते हैं, तो स्पेशल करने के लिए आज जूम मीटिंग रख लेते हैं, राइट। तो ठीक है, आज हमारा जो 10 बजे का सेशन यूट्यूब पर होने वाला था उसको हम जूम पर फिक्स कर लेते हैं। क्या बोलते हो, इज दैट क्लियर? या हाँ ठीक है बादल मल्होत्रा, ठीक है, आज सभी के साथ हम मस्ती करेंगे और जूम पर बातें करेंगे। तो सारे बच्चे तैयार है ना? 10 बजे या 10:30 बजे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगी। और आपको जितने बच्चे हमें अनअकैडमी पे फॉलो करते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको मैसेज ड्रॉप कर दूंगी कि मैं कब लाइव जाने वाली हूँ, आपके साथ लिंक को शेयर कर दूंगी। तो सारे बच्चे बढ़ चढ़ कर वहाँ पर पार्टिसिपेट करना। ओके जी, मिस थोड़ा बड़ा करिए। क्या बड़ा करना है मैम? टेलीग्राम चैनल नहीं बेब, फॉलो किया है मैम, पर टेली के चैनल का नाम दे दो। यस यस, आशीष ने कुछ शेयर किया है, सो यू कैन डू दैट। सो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है, जल्दी से आइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको बताना है, 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th में यहाँ पे जो दिया गया है आपको लेबलिंग करनी है, तो जल्दी से लेबलिंग करिए। प्यूबिस एसिटेबलम, इलियन, इस्चियम, प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है? हाय अख्तर खान, हैप्पी इंडिपेंडेंट डे डियर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको भी बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार आपके लिए। आशीष ने हमें आंसर डी दिया है। अच्छा, जितने बच्चों ने हमें सेशन को लाइक नहीं किया है तो आज इंडिपेंडेंस डे की खुशी में बढ़ चढ़ कर सेशन को लाइक करिए और शेयर करना आपकी मर्जी है तो, लेकिन लाइक ज़रूर करिए। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आज हमें कितने बच्चे लाइक करते हैं, कितने बच्चे पसंद करते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अख्तर खान, आपको भी बहुत सारी मुबारकबाद डियर, इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी मुबारकबाद। ओके, आशीष ने हमें डी आंसर दिया है तो लेट मी चेक। फर्स्ट आपका इलियम हो जाएगा, देन प्यूबिस हो जाएगा, देन एसिटाबुलम, थर्ड आपका एसिटाबुलम दिया हुआ है, एंड फोर्थ आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस दिया हुआ है, देन इलियम दिया हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा जाएगा यहाँ पर 15, 16 क्वेश्चन नंबर हम करते हैं यहाँ पर। मसल विच मस्ट हैव समथिंग रिजिड टू पुल अगेंस्ट इफ दे आर टू कॉज मूवमेंट इन केस ऑफ ह्यूमन, द रिजिडिटी सप्लाइड बाय डैश इन द केस ऑफ अर्थवॉर्म, द रिजिडिटी कम फ्रॉम। आपकी बॉडी में मसल्स होती है, स्केलेटल मसल होता है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में रिजिडिटी आती है, स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। आपकी बॉडी का एक फ्रेम डिजाइन होता है, लेकिन अर्थवॉर्म में वो रिजिडिटी कहाँ से आती है? कौन बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे तनवीर, हाय डियर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यस डियर, यस करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए जनाब, क्या आंसर रहेगा, जल्दी से बताइए, देर नहीं करने का। कुछ तो पता ज़िंदगी अपना पता ओके, मुझे यहाँ पे ए आंसर आ चुका है। बादल का, आशीष का हाइड्रोस्टैटिक बिल्कुल सही आंसर दिया डियर। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ये एक एंडोस्केलेटन होता है, वो भी अर्थवॉर्म के अंदर, और अर्थवॉर्म में इसी स्केलेटन की वजह से क्या होती है, रिजिडिटी आती है, स्ट्रेंथ आती है, और उसका फ्रेम भी, बॉडी का जो फ्रेम है वो डिजाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, बिसाइड्स एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोडा मेटामेरिज्म इज फाउंड इन सेस्टोडा, एंथोसिफला, कॉर्डेटा एंड मोलस्का। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के अलावा, जो एनिलिडा में आर्थ्रोपोडा में मेटामेरिज्म होता है, मेटामेरिज्म का मतलब है सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन, तो वो इसके अलावा और कहाँ मिलता है आपको? तो कौन बच्चा मुझे बताएगा, कॉर्डेटा, मोलस्का, एंथोसिफला या फिर सेस्टोडा। ज्वाइन कर लिया मैम, वेरी गुड डियर। मैम क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं, काला करो ना रंग, ठीक है डियर। एक्चुअली अख्तर खान, आज का थोड़ा सा बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, ये थोड़ा ध्यान नहीं दे पाई मैं, पर आज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। बाकी तो हमारा एवरीडे जो स्लाइड्स होता है वो प्रॉपर होता है, आज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए डियर। ओके आशुतोष, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो वहीं पे आपको जूम की मीटिंग का लिंक भी मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बताइए जनाब, क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? कॉर्डेटा, बिल्कुल सही आंसर दिया है। आशीष ने हमें करेक्ट आंसर दिया, कॉर्डेटा के अंदर मेटामेरिज्म आपको नजर आएगा। चलिए, एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स दैट हेमीकॉर्डेट, हेमीकॉर्डेट के बारे में बोला गया है। इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स दैट हेमीकॉर्डेट शेयर विद द कॉर्डेट, हेमीकॉर्डेट जो होते हैं वो कॉर्डेट के साथ, हेमीकॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच में कोई एक करेक्टर है, कोई एक फीचर है जो कि कॉमन होता है। एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, फेरिंग्स विदाउट गिल्सलेट्स, फेरिंग्स विद गिल्सलेट्स एंड वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कोड। कौन आंसर देगा? बेकार स्लाइड। आशीष, डोंट डू दिस डियर। आशीष मैम क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहे हैं, आई एम सो सॉरी अख्तर फॉर दैट, आई एम रियली 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 वेरी सॉरी। आज गलती से ऐसा हो गया है, और आई विल टेक लाइक, हमारी प्रॉपर स्लाइड्स होती हैं, आई नो दैट, कि आज की क्योंकि दोनों येल्लो येल्लो हो गया है तो थोड़ा सा हो गया, वो बाई मिस्टेक ऐसा हो गया है। आशीष डोंट डू दिस, ओके, यू आर अ गुड स्टूडेंट। चलिए, मैं आपको एक काम करती हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर देती हूँ। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्वेश्चन को सुन लीजिए, सुन लेने के बाद आपको जरूर समझ आ जाएगा। एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स दैट हेमीकॉर्डेट शेयर विद द कॉर्डेट इन, ठीक है, क्या वो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है जो कि हेमीकॉर्डेट का कॉर्डेट में भी मिलता है? नोटोकॉर्ड का एब्सेंस होना, फेरिंग्स का विदाउट गिल्सलिट्स होना, फेरिंग्स का गिल्सलिट्स के साथ होना, या फिर वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस होना। तो देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे सही आंसर देते हैं। हाय जयपाल, हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू डियर, एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीबॉडी। एज आई, मेरी स्लाइड्स में हर जगह पे लिखा हुआ है, तो आप सभी को मेरे बिना बोले ही बहुत सारी मुबारकबाद। यस डियर, ये सकता है। टेल मी डियर, क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 18 हम कर रहे हैं यहाँ पे। हैमी कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच में यहाँ पे कौन से कॉमन फीचर आपको देखने को मिलते हैं, आपको ये बताना है। मैम क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई? जयपाल हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी 7:15 पर स्टार्ट हो गई थी। ऑलमोस्ट 1 आवर होने वाला है, तब तो सी ही होगा। अख्तार खान ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है। ठीक है, क्योंकि कॉर्डेट के अंदर भी जो फेरिंग्स होता है, अच्छा फेरिंग्स भी तक गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्डेट के अंदर, और फेरिंग्स भी प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स के अंदर, तो ये बात बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ चुका है 19। ह्यूमिलीन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ। तो ये क्वेश्चन आई गेस आपको विजिबल होगा बहुत अच्छे से। ह्यूमिलीन होती है ह्यूमन इंसुलिन, जो कि कमर्शियली प्रोड्यूस की जाती है ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ। मतलब किसकी ट्रांसजेनिक स्पीसीज से? राइजोबियम की स्पीसीज से, सैक्रोमाइसिस की स्पीसीज से, एस्चेरिचिया की स्पीसीज से, या फिर माइकोबैक्टीरियम की स्पीसीज। हाय श्रुति, हाय डियर, हाय एवरीबॉडी, एंड वंस अगेन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी स्वतंत्रता दिवस की, हम सभी के स्वतंत्रता दिवस की। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एस्चेरिचिया, मुझे ऑलरेडी आंसर आ चुका है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर ई कोलाई। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ई कोलाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है अगर हमको कमर्शियली इंसुलिन को प्रोड्यूस करना पड़ता है, मतलब ह्यूमिलिन, जिसको हम ह्यूमन इंसुलिन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। यस डियर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से विजिबल होगा। एंड बिसाइड्स द एनिड एंड आर्थ्रोपोडा, ये तो हमारा हो चुका है एन इंपॉर्टेंट करेक्टर, ये भी हमारा हो चुका है। किडनी, हाँ ये वाला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 20। किडनीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अगर किडनी आपका कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रही है तो वो किस पर डिपेंड है? डिफ्यूजन पर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर, काउंटर करंट मैकेनिज्म पर, या फिर हम फोर्थ ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पे, नन ऑफ द एबव। तो बताइए जनाब क्या आंसर रहेगा, जल्दी से बताइए। नन ऑफ द एबव। यू आर सो हम्बल मैम, थैंक यू श्रुति। यस डियर, करेक्ट आंसर दिया श्रुति ने। काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको किडनी में देखने को मिलता है, जो लूप ऑफ हैनली होता है। ठीक है, हैनलीज लूप जो होता है उसकी उसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो उसका डिसेंडिंग लिम्ब होता है, देन उसका लूप होता है, देन इसका असेंडिंग लिम्ब होता है। तो डिसेंडिंग लिम्ब से जब लूप की तरफ आता है तो वाटर की जो क्वांटिटी है यूरिन के अंदर वो कम होती चली जाती है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यूरिन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। लेकिन जब डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनली से जब असेंडिंग लिम्ब में और कलेक्टिंग डक्ट तक, या फिर आपको बोल सकते हैं डीसीटी पार्ट तक, अगर जो हम जाते हैं उस वाले एरिया को हम स्टडी करते हैं, तो वो एक ऐसा पार्ट है हैनलीज लूप का जहां पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो थोड़ा सा डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी और डाइल्यूशन बढ़ जाएगा। तो यही काउंटर करंट मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से जो यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी कम होती है तो कभी ज्यादा होती है। ओके डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द राइट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन इज। तो बहुत इजी है। यस डियर, एनएस के लिए बिल्कुल सही आंसर दिया है, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम मूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर यूरिन के फॉर्मेशन का राइट सीक्वेंस क्या है डियर? सिक्रीशन पहले होता है, देन रीअब्जॉर्प्शन, देन फिल्ट्रेशन, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन या फिर सिक्रीशन और फिल्ट्रेशन। एंड थर्ड ऑप्शन आपको दिया है फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। आई गेस बच्चों को ऑलरेडी आंसर यहाँ पे दिख गया है। वेरी गुड, आपकी भी नज़र बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरे से ज़्यादा अच्छी है। तो करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है। सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है, जो कि आपका ग्लोमेरुलर अटैच में होता है। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो कि आपका होता है पीसीटी पोर्शन से और लूप ऑफ हैनली पोर्शन से। और उसके बाद होता है डियर सिक्रीशन। डेफिनेटली सिक्रीशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द यूरिन फॉर्मेशन। बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चों ने। क्वेश्चन नंबर 22, द वर्निकियस एरिया इज जनरली एसोसिएटेड विद साइट मोर। अच्छा, ये इसके ऑप्शन आपको नजर नहीं आएंगे, सो वंस अगेन सो सॉरी फॉर दैट। मैं आपको ऑप्शन रीड करके बता देती हूँ, और आई गेस ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में से नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पर हम जाते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 हम कर रहे हैं यहाँ पर। विच ऑफ दिस कंपाउंड्स जनरेट अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। मतलब ये बोला है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिससे कि वेलबींग की कंडीशन जो होती है वो जनरेट होती है एंड इनहिबिट द सेंसेशन ऑफ पेन। अगर आपको किसी जैसे कि मुझे इस टाइम सर दर्द हो रहा है तो जो सर दर्द मतलब जो दर्द होता है जो पेन होता है इसकी सेंसेशन को ये कम कर देता है। इनमें से कौन सा कंपाउंड है? मेलाटोनिन, कॉर्टिसोल, एंडोडॉर्फिन या फिर हो जाएगा आपका एड्रीनलिन। तो आशीष ने हमें यहाँ पे एड्रीनलिन आंसर दिया है। श्रुति व्हाट हैपेंड हियर, व्हाट हैपेंड, बिल्कुल सही आंसर दिया है बिकॉज एड्रीनलिन जो हार्मोन होता है, जो एड्रीनलिन हार्मोन होता है, बताइए बताइए बताइए, मेलाटोनिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, एंडोर्फिन हो गया या फिर एड्रीनलिन हो गया। जापान ने डी आंसर दिया है, अनम ने भी डी आंसर दिया है, आशीष ने भी डी आंसर दिया है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आपको सोचने के लिए ज़रूर बोलूँगी। एक बार सोच के मुझे आंसर दीजिए फटाफट। ऑप्शन बोलो अख्तर, मैं ऑप्शन बोलती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आपका है मेलाटोनिन, सेकंड ऑप्शन है कॉर्टिसोल, थर्ड ऑप्शन है एंडोर्फिन एंड फोर्थ ऑप्शन है एड्रीनलिन। एंडोर्फिन की मैं आपको स्पेलिंग यहाँ पर लिख के बता देती हूँ, एंडोर्फिन, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जवाब दीजिए सही आंसर क्या रहेगा। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ आप सभी के लिए। Which of the following compounds generate a feeling of well-being and inhibit the sensation of pain? Tell me fast, what will be the correct answer? आशीष ने आंसर जो दिया है, जितने बच्चों ने हमें डी आंसर दिया है बेटा उनका आंसर बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर इसका एंडोर्फिन होगा। एंडोर्फिन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि इंसान को अच्छा फील कराता है। जैसे कि किसी को सर्जरी हुई, सर्जरी की होने के बाद बहुत दर्द होता है या फिर कोई भी ऐसी एक खतरनाक बीमारी हुई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है, तो पेन के सेंसेशन को ये कम करके इंसान को, पर्सन को वेलबींग जैसी फीलिंग ये फील कराता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे एंडोर्फिन हो जाएगा। ओके डियर, एड्रीनलिन नहीं होगा, एंडोर्फिन इज द करेक्ट आंसर, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने एक नीट के पेपर में देखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन डाला है, ठीक है। तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ जाते हैं। मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। When a cocaine is used as stimulant, आपको पता है जो कोकेन होती है वो स्टिमुलेंट की तरह इस्तेमाल होती है। It interferes with the CNS at the reuptake of dash at the synapses. Yeah, okay, yes yeah. तो क्वेश्चन नंबर 23, when cocaine, जब कोकेन को हम स्टिमुलेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके साथ इंटरफेयर करती है। क्यों? क्योंकि ये किसी एक हार्मोन का रीअपटेक जो होता है उसको बढ़ा देती है। टेस्टोस्टेरोन, डोपामाइन, एड्रीनलिन, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे आंसर आ चुका है डोपामाइन, तो बिल्कुल सही आंसर दिया है। जब भी हम सीएनएस के साथ इंटरफेयर, जब भी सीएनएस के फंक्शन के साथ कोकीन इंटरफेयर करती है तो वो इंटरफेयर करती है आपके न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन में डोपामाइन दे रखा है। मतलब न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को बहुत ही स्लो कर देती है। इसी वजह से ये कोकेन हो गया, मॉर्फिन हो गया, इनके जो इनको लेने के बाद इंसान की जो मतलब सेंसेशन होती है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे कि अगर पेन है तो इंसान उसको बहुत ही ज़्यादा फील नहीं कर पाता है क्योंकि वो टेम्परेरी इनको क्या कर देते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। राइट यार, आज सब सही है आंसर, वेरी गुड। हाय सिद्धार्थ, यस दिस इज लाइव डियर, हम आपका नाम ले रहे हैं। यस ऑफ कोर्स दिस इज लाइव, आज नहीं हुआ अनअकैडमी पर टेस्ट इसीलिए। ओके, वेरी वेरी गुड डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड ऑर्गन्स आर रेगुलेटेड बाय, मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड ऑर्गन्स आर रेगुलेटेड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आपकी स्मूथ मसल्स, आपकी कार्डियक सिस्टम, कार्डियक मसल्स एंड आपके जो कार्डियक ऑर्गन्स हैं वो कौन से नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होते हैं? तो मुझे ऑलरेडी आंसर आ चुका है, आशीष ने मुझे आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि आपके हार्ट में, हार्ट के अंदर पेसमेकर होता है, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा पेसमेकर, और वो पेसमेकर जो होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है SA नोड। और SA नोड का काम क्या होता है डियर? ऐसे नोड जो होता है वो आपके हार्ट की बीटिंग के लिए, उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पल्सेस को जनरेट करता है। तो एक जो पेस मेकर है वो आपका क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जिसको ANS बोला जाता है। यस डियर, बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन हम नहीं करते। पासिस सेल्स आर द थिन वॉल्ड सेल्स फाउंड इन, यस डियर। अच्छा बताइए कौन सा क्वेश्चन करें? ये वाला क्वेश्चन करें हम यहाँ पर। ये क्वेश्चन आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बुल फॉर्म एंड मोटर सेल। इनमें से यहाँ पे जो बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं, जो मोटर सेल्स होती है ना, उसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। मैं आपको ऑप्शन रीड करके बता देती हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना, मैं स्लोली आपको बोलूंगी। बुलफॉर्म एंड मोटर सेल्स आर सीन इन द ग्रासेस। These cells are large-sized, thin-walled, colorless, vacuolated cells on the adaxial surface. It helps in the rolling of the leaf to minimize water loss when it is flaccid. All of the above. Yes dear. तो करेक्ट आंसर मुझे क्या आएगा, जल्दी से बताइए। आशीष ने मुझे आंसर दिया, बाकी बच्चे क्यों आंसर नहीं देते हैं डियर, क्या बात है? मुझे लगता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप डियर इसलिए कमेंट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप चैनल अभी के भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप कमेंट भी कर पाएंगे। ओके डियर, तो जितने भी बच्चे हमें यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, अगर वो यहाँ पे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आप जरूर कमेंट कर पाएंगे। आशीष ने फ्लैसिडिटी आंसर दिया है और बाकी बच्चे हमें क्या आंसर दे रहे हैं, सो लेट मी चेक। बुलीफॉर्म के बारे में, बुली सेल्स जो होती हैं वो ग्रासेस में तो मिलती ही मिलती हैं, तो यहाँ पे डियर करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव है, क्योंकि वो ग्रासेस में तो देखने को मिलती हैं, वो लार्ज साइज सेल होती है और ग्रासेस की वो अपर सरफेस पर प्रेजेंट होती है, प्लस वो वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करती हैं, इसी वजह से यहाँ पे करेक्ट आंसर डी रहेगा। ओके जी, करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, डी है। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, साइलेंसिंग ऑफ द जीन कुड बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ। अगर किसी भी जीन को हम साइलेंस करना चाहते हैं, मतलब उसके फंक्शन को हम डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, उसके फंक्शन को हम रोकना चाहते हैं, तो किस की वजह से हम यहाँ पर डीएनए साइलेंसिंग कर सकते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस की वजह से या एंटीसेंस आरएनए की वजह से, बोथ आरएनए इंटरफेरेंस एंड एंटीसेंस आरएनए की वजह से, या फिर नन ऑफ द एबव। बी नहीं समझे, सिद्धार्थ ने आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए डियर। अगर आप 25 यहाँ पे देख रहे हैं तो मुझे ऑप्शन में आप 25 A, B, C ऐसे कुछ भी करके मुझे आंसर दे सकते हैं, तो बताइए जनाब क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आंसर रहेगा? मिस्टर एलेक्सिक ने हमें सी आंसर दिया है, तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं। आशीष हमसे कुछ पूछ रहे हैं, क्या आज कुछ पूछ रहे हैं? यस मिस्टर एलेक्सिक, तो बोथ आरएनए एंटीसेंस बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगर हम आरएनए इंटरफेरेंस करते हैं तो जीन की हम साइलेंसिंग कर सकते हैं, दैट इज ट्रू, करेक्ट आंसर। तो एक काम करते हैं डियर, आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं क्योंकि मेरे पास चार्जर नहीं है, तो जिसकी वजह से मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है। वैसे भी आज की क्लास हमारी 1 आवर के लिए ही शेड्यूल थी। लास्ट क्वेश्चन कब करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट सच एज डैश प्रिवेंट द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन फ्रॉम बीइंग रिजेक्टेड इन द रेसिपिएंट। तो इम्यूनोसप्रेसेंट जो होते हैं हम उनको कैसे सप्रेस कर सकते हैं जिससे कि हम ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन को रिजेक्ट होने से बचा सकें, तो आपके ऑप्शन है डियर थ्रोम्बिन, साइक्लोस्पोरिन, एस्पायरिन या फिर नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 26, टेल मी फास्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी से बताइए जनाब क्या आंसर रहेगा, आप कैसे बचा सकते हैं यहाँ पे। अनस ने आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया। यस डियर, करेक्ट आंसर आपका साइक्लोस्पोरिन है। साइक्लोस्पोरिन एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है जिसकी वजह से आप ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांटेशन को करते वक्त ऑर्गन के रिजेक्शन को आप बचा सकते हैं क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है। ओके डियर, चलिए फिर आज के इस सेशन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। एंड अगर आप हमारी स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आज तो हमारी स्पेशल क्लास नहीं होगी, कल से हमारा स्पेशल क्लास सेशन होगा जो कि सुबह 10 बजे 10 AM एंड 10 PM पर हमारे 2 सेशन होते हैं। आप स्पेशल क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप यहाँ पर हमारा जो ये है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन द स्पेशल क्लास, डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, गो टू द नीट यूजी कोल, सिलेक्ट ज्योति शर्मा प्रोफाइल देयर, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। अगर आप फॉलो करते हैं तो आप मेरा कोड इस्तेमाल करके मेरी सारी की सारी फ्री स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। यस डियर, ये सिद्धार्थ आपका आंसर बिल्कुल सही है। एंड दिस इज द यूट्यूब चैनल जिसको आप लाइक ज़रूर करना, चैनल छोड़ते वक्त चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ पे कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं और आपको चाहिए थोड़ा बहुत डिस्काउंट, तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ माई कोड JSNWT सो टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा आपको मिलता है, अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हो डेफिनेटली, तो ज़रूर मेरी तरफ से आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। मतलब आपको जो जो मेरे से आपको चाहिए, आपको अगर एक प्रॉपर प्लान चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, या फिर आपको चाहिए कि मैं क्लासेस के नोट्स PDF या फिर आपको लाइव क्लासेस में, तो डेफिनेटली सारी चीज़ें आपको मेरी तरफ से मिलने वाली हैं। तो इफ़ यू रियली वांट टू बाय अ सब्सक्रिप्शन, आपको वहाँ पे चाहिए डिस्काउंट, तो ऑलवेज यूज़ माय कोड JSN